बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल बी स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जितना भी स्टडी करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपकी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग चार्जेस को। तो इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आपके चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से। देखें, आपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में जो आपने स्टडी किया है वो आपने चार्जेस एट रेस्ट स्टडी किया है। इस चैप्टर में हम जितना भी स्टडी करेंगे वो चार्जेस एट मूविंग कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं करंट का। तो हम इसकी एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट है द बल्ब ग्लो ड्यू टू करंट। आप जानते हैं कि आपका घर में जो बल्ब है वो किसकी वजह से ग्लो करता है, करंट की वजह से ग्लो करता है। इसी तरीके से द करंट दैट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ अ मोटर कॉजेज इट शाफ्ट टू रोटेट। आप जानते हैं कि आपके घरों में जो मोटर होती है उसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है। उस कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। उस कॉइल में करंट के फ्लो करने की वजह से उस मोटर की जो शाफ्ट है वो क्या होती है, रोटेट होती है। और हमारे जो बहुत सारे काम हैं, जिस तरह घर की वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं और बहुत सारी चीज़ जहाँ पर मोटर आपकी लगी होती है, तो वो भी आपकी क्या करती है, रन करती है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसी तरीके से और भी हमारी ज़िंदगी में, घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में उनको यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इन द इंडस्ट्री एंड आवर होम ऑपरेट विद करंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम की तमाम फैक्ट्रीज जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे घर में मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, पंखे हैं और बहुत सारी चीज़ें, और ट्यूब लाइट्स हैं, सोन, बहुत सारी चीज़ें। हमारी ज़िंदगी का 80% जो हिस्सा है वो इन इलेक्ट्रिक करंट्स की अशिया के साथ जो है वो किस इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें आपके जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका। तो डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्जेस का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लो है आपका थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर में से इस कार्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है, द रेट ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस में क्या आएगा, फ्लो आएगा, जो चार्जेस में चेंज आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बना सकते हैं। मैथमेटिकल पे करंट को आई के साथ डिनोट किया जाता है और आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल ऑफ टी। यहाँ पर डेल क्यू क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट से। तो ये क्या आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स को भी देख सकते हैं, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। तो अम्पेयर ने फर्स्ट टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, तो उसी के नाम से इसका यूनिट भी डिनोट किया जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि आपका जो अम्पेयर है वो किसके इक्वल होता है, तो अम्पेयर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज अम्पेयर। तो अम्पेयर, व्हेन वन कूलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड द करंट इज सेड टू बी वन एम्पेयर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वन कूलम चार्ज, कितना आपका एक कूलम का जो चार्ज है वो पास आउट कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इन अ वन सेकेंड, एक सेकेंड के टाइम में से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर सर एक कूलम चार्ज आपका फ्लो करेगा या पास आउट होगा कितने टाइम के अंदर, एक सेकेंड के अंदर। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, वन एम्पेयर के इक्वल होगा। तो इसका जो करंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वन एम्पेयर के इक्वल होगा।
तो व्हेन अ वन कूलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड द करंट इज सेट टू बी वन एम्पेयर. तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन एम्पेयर बोलेंगे. तो नेक्स्ट चलते हैं जी, मैथमेटिकल फॉर्म देख सकते हैं कि वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम डिवाइड बाई वन सेकेंड, यानी कि एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड के अंदर. अब देखते हैं जी नेक्स्ट है जी हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल. कि हमने बात करी कि चार्ज करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से पैदा होता है. अब हम देखेंगे कि चार्ज कैरियर जो है यानी कि चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है इन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर. तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज विच कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. तो फर्स्ट देखते हैं जी हम मेटेलिक कंडक्टर, कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपका जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करता है. तो फर्स्ट में इन मेटेलिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन. मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर आपका जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करेगा, मूव करंट आपका प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइसिस द चार्ज कैरियर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आइन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका करंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइन की वजह से फ्लो करेगा. नेक्स्ट है जी गैसेस. गैसेस के अंदर इन गैसेस द चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइन्स. गैसेस के अंदर आपका जो चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आइन्स की वजह से क्या होगा, फ्लो करेगा. नेक्स्ट है जी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स आप ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपने देखा होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर एक चिप होती है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी होती हैं. तो उनमें आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा. इन सेमीकंडक्टर्स द चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो आपका करंट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो करता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने चार मटेरियल्स को स्टडी किया है कि चार मटेरियल्स में आपके जो करंट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से आपका करंट मूव करता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.